Bismillahirrahmanirrahim, dear student, Assalamualaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Lecture class 9th के लिए है. Class 9th का हमने chapter 1 जो है वो start किया हुआ है. तो chapter 1 से आज का जो हमारा topic है, fundamental of chemistry का जो chapter है, topic is chemical formula. Dear students, इस topic में हम लोग सीखेंगे कि chemical formula है क्या और केमिकल फार्मूला की टाइप्स क्या क्या हैं, और एट द एंड रिलेटेड एमसीक्यूज और रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पर भी बात की जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ. टॉपिक केमिकल फार्मूला. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो बेसिक डेफिनेशंस में हमने जब एलिमेंट की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि हर एलिमेंट को किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब हाइड्रोजन है तो H का सिंबल उसके लिए यूज़ होता है, कार्बन है तो C का सिंबल जो है उसके लिए यूज़ होता है. सिमिलरली जब हमारे पास कोई कंपाउंड बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल को भी हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला. कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहा जाता है, या बाद दफा सिंपली फार्मूला भी कह देते हैं. जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हमने वाटर का फार्मूला लिखा H2O. तो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर. तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाटर की है इसको कहेंगे केमिकल फार्मूला. सिमिलरली अमोनिया है तो अमोनिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो इसके लिए जो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज की दैट इज NH3. और इसी तरह से CH4 जो है ये मीथेन के लिए जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. O3 जो है वो ओजोन के लिए जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको क्या कहा जाता है? केमिकल फार्मूला कहा जाता है. डियर फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. वन इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला एंड अदर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. नाउ मूव टूवर्ड द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली दिस इज फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स और आयंस इन अ कंपाउंड. कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो फार्मूला बताएगा वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो 2:1 की रेशो से हैं. तो 2:1 की रेशो सिंपलेस्ट रेशो है, फर्दर ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. तो इट्स मीन कि H2O जो है ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की. सो H2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द वाटर. सिमिलरली इफ यू हैव अ कंपाउंड बेंजीन, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन विद फार्मूला C6H6. ये इसका केमिकल फार्मूला है C6H6. दिस फार्मूला इज शोइंग दैट देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल. तो इट्स मीन कि 6 एंड 6 की रेशियो से हैं, और अगर आप 6 एंड 6 की रेशियो को मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये सिंपलेस्ट रेशियो बनती है 1:1. अगर आप इस रेशियो के मुताबिक फार्मूला लिखें तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये फार्मूला बनेगा CH. तो CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन. क्यों? क्योंकि इसने सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के बारे में बताया है. डियर स्टूडेंट्स,
अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है और उस आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट हमेशा ये टर्म यूज होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए। अगर हम लिखें NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या बता रहा है कि देयर इज 1:1 रेशो बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये हमारे पास फार्मूला यूनिट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। सिमिलरली इफ वी हैव CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में 1:2 की रेशो है, तो दिस इज फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। टू डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। फार्मूला विच शो विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल C2H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड इथेन। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। सिमिलरली C6H6, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन शोइंग दैट देयर इज 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेंजीन। इसी तरह से C12H22 एंड O11, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज कॉमन शुगर टेबल शुगर, और ये क्या बता रहे हैं कि देयर आर 12 एटम ऑफ कार्बन 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल। तो वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से डिटरमिन भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने एक रिलेशनशिप लिखा है, हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, कि जब आप किसी भी चीज के एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस एन? एन जो है ये एक्चुअली एक होल नंबर है जो हमने कैलकुलेट करना है, और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन होना चाहिए और एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होना चाहिए। अगर एम्पेरिकल फार्मूला भी गिवन है, अगर मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट एन। एन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला बी गिवन है, तो वहां से हम एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एन की वैल्यू आएगी, और इस एन की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एम्पेरिकल फार्मूला से, तो वी कैन गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेट टेक एन एग्जांपल, लेट वी हैव, हमें कहा जाता है कि यू हैव अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर मास इज 78। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 78 है, और इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है। आपसे कहा जाता है कि आप बता दें कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी कहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कि आप एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें, बट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज n? तो n के लिए भी तो हमने एक तरीका लिखा है कि n के लिए आप मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है और साथ हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला मास फ्रॉम दिस फार्मूला।
तो एम्पेरिकल फार्मूला मैथ निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ जी। इन एम्पेरिकल फार्मूला देयर इज वन एटम ऑफ कार्बन, तो एक एटम कार्बन का हो तो इसका मॉलिक एटॉमिक मास 12 होता है, एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो एटॉमिक मास इसका 1 होता है, तो 12 प्लस 1 आपने तमाम एटॉमिक मैसेज को सम कर देना है, तमाम एटम के एटॉमिक मैसेज को सम कर देना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मैस आ गया 13। अब ये 13 आ गया, 78 भी आ गया, तो वी कैन कैलकुलेट एन, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस 78, एम्पेरिकल फार्मूला मैस 13, एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो 6 आ गई। अब इस 6 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला से, और हमें हासिल हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय सी एच। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 6 है ना, ये कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इन एम्पेरिकल फार्मूला देयर इज वन एटम ऑफ कार्बन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 6 कार्बन के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 6 हाइड्रोजन के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वी विल गेट C6 एंड H6। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर मास वाज 78 एंड हुज एम्पेरिकल फार्मूला वाज CH। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में सीखा। अब आते हैं रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, लेट के हमें एमसीक्यूज जो है वो देता है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथीन इज ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी CH, ऑप्शन सी C2H एंड ऑप्शन डी CH2। क्वेश्चन ये है कि इथीन का आप एम्पेरिकल फार्मूला बता दें, तो एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें किसी भी कंपाउंड का पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इथीन का पूछा है, तो इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2। जब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो आप इसके एटम की सिंपलेस्ट रेशो फाइंड कर लें, यू कैन सी कि C2H2 जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो दो हैं, तो 2 and 2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिंपलेस्ट रेशियो बनेगी 1 and 1। इट्स मीन एम्पेरिकल फार्मूला में एक एटम होगा कार्बन का और एक एटम होगा हाइड्रोजन का, तो एक एक एटम अगर हो तो ये फार्मूला बनता है CH, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक बात डियर स्टूडेंट्स आपने और याद रखनी है कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं विच हैव सेम एम्पेरिकल एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो फर्स्ट करें कि आपके पास अगर H2O है, तो H2O जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। सिमिलरली अगर आपके पास CH4 है तो 1 and 4 की रेशो है, सिंपलेस्ट, मजीद सिंपल नहीं हो सकती, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पेरिकल फार्मूला भी है। NH3 है, इसमें भी ऐसी सूरत याद है। तो याद रखें वो सारे कंपाउंड्स जिनके लिए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है उनके लिए हमेशा n की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ऑल दोस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला हैव n इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज n इज इक्वल टू 1, कि कौन सा कंपाउंड है जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ऑप्शन ए मैं लिखता हूं आपके सामने, फर्ज करें कि C2H6, ऑप्शन बी हम लिखते हैं C2H4,
ऑप्शन डी सी हम लिखते हैं H2O एंड ऑप्शन डी हम लिखते हैं नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा है कि वो सारे कंपाउंड जिनका एम्पेरिकल फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम्स की रेशियो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती मजीद, उनके लिए एंड हमेशा वन होगा। तो आप देखें, अगर हम यहां बात करें तो रेशो है 2:6 और 2:6 का मतलब है ये फर्दर सिंपल होगी 1:3, तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका CH3 बन जाएगा। सिमिलरली यहां अगर हम बात करें तो C2 और H4 है, तो 2:4 का मतलब है ये 1:2 की रेशो से CH2 इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। वाटर में देखें तो 2:1 है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो इट्स मीन कि यही वाला जो कंपाउंड है, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, और ऐसे कंपाउंड के लिए हमेशा एन वन के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एमसीक्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपसे केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपसे एम्पेरिकल फार्मूला के हवाले से पूछा जा सकता है। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।